हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बौद्ध की जीवनी, बौद्ध की शिक्षा, बौद्ध संघ और सामान्य उपासक तथा बौद्ध की शिक्षाओं का सामाजिक प्रभाव। इन सब को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध की जीवनी। बौद्ध का जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, जो शाक्यों के मुखिया शुद्धोधन के पुत्र थे तथा कपिलवस्तु से उनका राज्य चलता था। उनकी माता का नाम माया था, जिन्होंने लुम्बिनी के एक उपवन में बौद्ध को जन्म दिया। बौद्ध को जन्म देने के कुछ दिनों बाद उनका देहावास हो गया। शुद्धोधन ने यत्न पूर्वक अपने पुत्र को संसार की सभी बाधाओं और पीड़ा से अलग रखा, ताकि वह संसार से विरक्त ना हो। इसके लिए विलास और आनंद का एक अति कृत्रिम वातावरण तैयार किया गया। स्टूडेंट्स, यदि हम बौद्ध की जीवनी की संक्षिप्त में बात करें तो हम देखेंगे कि बौद्ध का जो जन्म था वो सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनका मतलब बौद्ध का नाम बचपन का सिद्धार्थ था, और जो शाक्यों के मुखिया शुद्धोधन के पुत्र थे उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, कपिलवस्तु से उनका राज्य चलता था, उनकी माता का नाम माया था और उनकी माता का देहांत उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया था। उनके पिता यानी कि शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार की सभी बाधाओं और पीड़ा से अलग रखा, ताकि वह संसार से विरक्त ना हो। इसके लिए उनके आसपास यानी कि बौद्ध के आसपास विलास और आनंद का एक अति कृत्रिम वातावरण तैयार किया गया। यशोधरा नामक युवती से सिद्धार्थ ने विवाह किया और उनका राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। बौद्ध की धार्मिक जीवनी में ऐसा वर्णन है कि जब वे 29 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने 4 ऐसी घटनाएं देखी जिनसे उनके जीवन की यथास्थिति ध्वस्त हो गई। इनमें से पहले 3 दृश्यों के द्वारा उन्हें जीवन से जुड़े 3 कटु सत्यों का एहसास हुआ, जो अवश्य भावी थे। पहला वृद्धावस्था, दूसरा शारीरिक व्याधि, तीसरा मृत्यु, चौथा उनको दिखलाई पड़ने वाले दृश्य में मनुष्य जीवन के 3 अवश्य भावी परिघटनाओं का समाधान नजर आया। यदि हम इसकी भी संक्षिप्त में बात करें तो हम देखेंगे कि बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने यशोधरा नाम की युवती से शव विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था, और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने 4 ऐसी घटनाएं देखी जिनसे उनके जीवन की यथास्थिति ध्वस्त हो गई, जिसमें से पहली थी वृद्धावस्था, बुढ़ापे का उन्होंने एक दृश्य देखा, दूसरा शारीरिक व्याधि, शरीर में कमजोरियां जाना, शरीर की बीमारियां, तीसरा मृत्यु और चौथा संन्यास। सिद्धार्थ ने अपने घर और परिवार का परित्याग कर दिया और 6 वर्षों तक सत्य की खोज में भटकना शुरू कर दिया। इस क्रम में उनकी मुलाकात कई दार्शनिक गुरुओं से हुई, किंतु उनके उपदेश सिद्धार्थ को संतुष्ट न कर सके। तब 5 अन्य सहमार्गियों के साथ उन्होंने घोर तपस्या और साधना प्रारंभ की। उनका शरीर जर्जर हो गया। उन्हें यह अनुभूति हुई कि आगे बढ़ने के लिए पहले उन्हें अपने शरीर को फिर से स्वस्थ करना पड़ेगा और चित्त में स्थिरता लानी पड़ेगी। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खाने को खीर दी। स्वस्थ होने के पश्चात एक बार फिर बौद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, किंतु इस बार उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। सिद्धार्थ को अतः तक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें बौद्ध की संज्ञा दी गई। आने वाले 7 सप्ताहों तक बौद्ध उसी स्थान पर बैठे रहे। अपने द्वारा प्राप्त किए गए असाधारण अनुभवों को वे स्वयं में समेट कर रख लेने का मन बना चुके थे। बौद्ध मान्यता यह है कि स्वयं ब्रह्मा ने 3 बार बौद्ध से प्रार्थना की कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर विश्व में फैलाएं। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश उनको त्याग कर चले गए 5 सन्यासियों को बनारस के निकट मृगवन नामक स्थान पर दिया। इस उपदेश में दुख से निवृत्ति का मार्ग बतलाया। इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बौद्ध ने 4 दशकों तक अपने सिद्धांत की घूम घूम कर शिक्षा दी। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक संगठन की स्थापना की जिसे संघ कहा गया। अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। बौद्ध की शिक्षा। बौद्ध की शिक्षाओं ने संघ और जन सामान्य दोनों को संबोधित किया, बल्कि दोनों वर्ग को दी जाने वाली शिक्षाएं कई बार इन पृथक वर्गों में भेद नहीं करती। इस सिद्धांत के केंद्र में 4 आर्य सचानी थे। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख से मुक्ति मिल सकती है और चौथा मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में निहित है। इस मार्ग में ज्ञान, आचरण, ध्यान और साधना बहुत प्रकार की गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी बतलाई गई हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यवसाय, सम्यक वाणी और सम्यक ध्यान। इन्हें मुख्य माना गया है। दुख और दुख से मुक्ति ही बौद्ध के सिद्धांत का आधार है। बौद्ध ने सबम दुखम कहा,
दुख सब ओर व्याप्त है। दुख का अर्थ एक व्यक्ति के द्वारा अनुभव की गई वास्तविक पीड़ा और निराशा तक सीमित नहीं था, बल्कि वैसा अनुभव करने की तमाम संभावनाएं दुख के दायरे में आती थी। सुख अस्थायी और क्षणभंगुर होता है, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाने अथवा इंद्रियों को किसी प्रकार से तुष्ट करने की वास्तविक क्रियाओं पर आश्रित होता है। तृष्णा, अहंकार, घृणा, मोह जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को दुख का कारण कहा गया। मिलिंदपना, जो कि एक बहुत फेमस बुक है, के अनुसार एक आदमी के नाम के पीछे जटिल और परिवर्तनशील व्यक्तित्व विद्यमान रहता है। बौद्ध की शिक्षा का उद्देश्य निब्बान की प्राप्ति थी। निब्बान कोई स्थान नहीं होता, बल्कि एक अनुभूति है जिसको इसी जीवन पर हासिल किया जा सकता है। बौद्ध को निर्वाण की अनुभूति हुई और उनके शिष्यों को भी। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है उन्मूलन करना, समूल नष्ट हो जाना, और यहाँ निर्वाण का अभिप्राय तृष्णा, माया, अहंकार का समूल नष्ट हो जाना है। इन सभी के साथ स्वतंत्रता, आत्मनियंत्रण और मुक्ति निहित है। निर्वाण का अर्थ जीवन चक्र मृत्यु और पुनर्जन्म से है, न कि केवल मृत्यु से। बौद्ध के सदृश्य किसी जीवन मुक्ति की मृत्यु को परिनिब्बान कहा जाता है। दूसरी संभावना यह व्यक्त की जा सकती है कि जिस प्रकार एक दीपक लौ से दूसरे दीपक को जलाया जाता है, बौद्ध की शिक्षा के अनुसार चैतन्य अस्तित्व मृत्यु के साथ सूक्ष्म तत्व में विलीन नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे काल में दूसरे स्थान पर नए समीकरणों के साथ उसका पुनर्प्रतिकरण होता है। बौद्ध की शिक्षा में कर्म का अभिप्राय कायिक, वाचिक और मानसिक उद्देश्यों से है। किसी भी जीवन में किए गए कर्मों का संचित प्रतिफल पुनर्जन्म के रूप में होता है। बौद्ध ने संघ के सदस्यों और सामान्य उपासक दोनों वर्ग के लिए नैतिक आचरण का संविधान तैयार किया। एक बौद्ध भिक्षु अथवा भिक्षुणी के लिए यह बात वर्जित कर दी गई, जीवन को नष्ट करना, चोरी, मध्याह्न के बाद भोजन, मनोरंजन, सुगंधी और आभूषण, सोना चांदी, इनमें से पहली 5 वर्जनाएं सामान्य उपासकों से भी अपेक्षित थी, किंतु इनके लिए ब्रह्मचर्य के स्थान पर सचित्व और सुचिता माना गया। बौद्ध की शिक्षाओं में तृष्णा और वासना से अलग होने पर विशेष बल दिया गया। बौद्ध संघ और सामान्य उपासक। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध भिक्षुओं और अंत में भिक्षुणियों के संघ की स्थापना हो गई थी। बौद्ध संघ की स्थापना का मतलब यह था कि यति धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या के लोगों के बीच बौद्ध धर्म की एक अपनी पहचान बन सके। दरअसल बौद्ध संघ ही बौद्ध धर्म की केंद्रीय संस्था के रूप में विकसित हुई। विनय पिटक में संघ की स्थापना और संघ के नियमों की विवेचना की गई है, किंतु हो सकता है जिसकी ऐतिहासिकता हमारे दृष्टिकोण में सीमित हो। विनय पिटक के 2 मुख्य भाग है, स्तुत विभंग तथा खंडक। इसके अतिरिक्त परिवार संख्या वाली एक अनुक्रमणिका भी है। स्तुत विभंग प्रतिमोक्ष की सूची दी गई है, जिसमें 227 बौद्ध भिक्षुओं के लिए तथा 311 बौद्ध भिक्षुणियों के लिए अलग अलग संघीय नियमों का संकलन किया गया है। प्रत्येक नियम के साथ एक वृतांत जुड़ा है, जिसमें यह विवेचना की गई है कि कब और क्यों बौद्ध ने उस नियम को प्रतिपादित किया। प्रत्येक नियम के बाद एक संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई है। प्रतिमोक्ष को अमावस्या तथा पूर्णिमा की तिथियों पर उपोस्त कहलाने वाले अनुष्ठान के अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सभा में पढ़ा जाता था। खंडक के अंतर्गत संघ के लिए नियम, बौद्ध की जीवनी से जुड़ी घटनाओं के व्रत, भिक्षुणी संघ की स्थापना तथा प्रथम और द्वितीय संगीतियों के व्रत इसी भाग में रखे गए हैं। विनय के नियमों में वह सभी बातें आती हैं जिसके अनुसार किसी भिक्षु या भिक्षुणी को कब और क्या आहार लेना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, कि क्या पहनना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए, सब सम्मिलित है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बौद्ध के सबसे पहले गृहस्थ अनुयायी तपस्सु और भलिक नाम के 2 व्यवसायी कहे गए हैं। इस श्रेणी के पुरुष अनुयायियों को उपासक तथा महिला अनुयायियों को उपासिका का कहा जाता था। उपासिका बौद्ध धर्म के वैसे सदस्य थे जो बौद्ध धर्म तथा संघ के शरणागत होने की शपथ लेते थे। 5 शपथ इस प्रकार थी। पहला,
किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, दूसरा ऐसा कुछ भी ना लेना जिसे दिया नहीं गया हो, तीसरा अनैतिक शारीरिक संबंधों से दूर रहना, और चौथा मिथ्या वचन नहीं बोलना, पांचवा नशापान नहीं करना। अब हम सबसे अंतिम विषय पर बात करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है, बौद्ध की शिक्षाओं का सामाजिक प्रभाव। बौद्ध का मानना था कि सभी सामाजिक संबंध एक प्रकार के बंधन हैं और इसीलिए दुख के कारण भी एक व्यक्ति की मुक्ति इन संबंधों के तोड़ने पर ही निर्भर करती है। संघीय व्यवस्था का निर्माण एक दृष्टि से सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों के लिए आश्रय स्थली बनकर प्रतिरोध का केंद्र बन सकता था, किंतु बौद्ध संघ अपनी ओर से ऐसा दिखलाने का प्रयास कर रहा था कि यह यथास्थितिवाद का समर्थक है। संघ में प्रवेश पाने के लिए निर्धारित शर्तों से ऐसा नहीं लगता है, सैनिक राज्य की अनुमति के बिना संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे, दास अपने स्वामी से मुक्ति पाए बिना प्रवेश नहीं पा सकते थे, और ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाए बिना संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था।